सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में जो मैं तुम्हें बताया था वो हमारे पास था इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड तक करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। देखो अब जो हम बात करने वाले हैं, हमारे पास जितने भी टाइप्स ऑफ एरर होते हैं ना, हम उसके एक एक एग्जांपल करेंगे। जैसे मान लो पहला मेरे पास है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा मेरे पास है एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट है। तीसरा जो है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, और चौथा है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। तो पहले चार हेडिंग डाल लो, फिर देखते हैं इसके, अगर हम एक एक क्वेश्चन करते हैं ना तो ठीक ठाक हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। और जो दूसरा है, पहला एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है, दूसरा है एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, इसको एरर ऑफ पोस्टिंग भी बोल सकते हैं। और जो तीसरा है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और जो हमारे पास है फोर्थ, जो चौथा है वो है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है भाई। देखो ये चार चीजें हमारे पास, पहला एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है, दूसरा एरर ऑफ पोस्टिंग, फिर जाके एरर ऑफ प्रिंसिपल, फिर जाके चौथा क्या, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। ये भाई हमारे पास चार चीजें हैं, तो ये चारों की चार हम क्या सीखेंगे, फिर देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो सुनो, देखो अभी जो हमारे पास बात आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरर ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है। पहले किसकी बात करेंगे कि एरर ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है। देखो जब भी हम बुक कीपिंग करते हैं, जैसे मान लो कि हमने किसी को सेल किया है, और सेल के टाइम पे अगर हमने कोई सी गलती कर दी, अगर सेल के टाइम पे कोई सी गलती होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग बोलते हैं। जैसे मान लो कि मैंने सेल किया, ठीक है, और फिर उसको रिकॉर्ड किया, तो इस टाइम कोई सी गलती करी, इसे बोलेंगे रिकॉर्डिंग, या फिर मतलब कि एरर ऑफ रिकॉर्डिंग बोलेंगे। दूसरा मैं बोल दूं, मैं परचेज करा था, परचेज के टाइम पे मैंने कोई सी सिर्फ रिकॉर्डिंग में गलती जब करी हो ना, अगर कभी भी हम रिकॉर्डिंग के अंदर गलती करते हैं, मतलब मान लो कि हमने कुछ भी ट्रांजेक्शन की और उसको रिकॉर्ड करने में गलती करी है, ठीक है, उस केस में क्या होता है भाई, रिकॉर्डिंग के टाइम पे अगर हम गलती करते हैं तो उस टाइम एक ही बात आती है, और वो क्या होता है हमारे पास, मतलब अगर हमने रिकॉर्डिंग के टाइम पे गलती करी तो उसी को बोलेंगे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। उसमें तीन से चार गलतियां आ सकती है, पहला अमाउंट गलत लिख दे, दूसरा नाम गलत लिख दे, ठीक है, और बहुत सारी बातें आती है, तो ये सारा सारा देखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ हमारे पास। तो अभी जो तुम्हें निकालना है वो निकाल लो, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड है, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड देख लो, जो इलस्ट्रेशन थर्ड है हमारे पास, उसमें पहला कह रहा है कि अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम वाज रिकॉर्डेड एज 7100, ठीक है। अब सुनो, हमारे पास हुआ कैसा है कि हमने बेचा है, ठीक है, हमने क्या कि मतलब हमने सामान बेचा है राम को 1700 रुपए का, लेकिन हुआ हमने उसको कैसे रिकॉर्ड कर दिया, 7100 से। अच्छा भाई तुम्हें ना मतलब कि जो है जर्नल के अंदर ही करना है सारा सारा, जर्नल से बाहर नहीं आना, तो इसमें कर लो जर्नल डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट, और फिर जाके हमारे पास है क्रेडिट, देखो भाई अब हमारे पास क्या है, पहला है डेट, फिर जाके है पर्टिकुलर लेजर फोलियो, फिर जाके डेबिट का अमाउंट, दूसरा हमारे पास है क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। सुनो भाई, तो जो पहला जो उसने हमें बता रखा है उसमें क्या है, कह रहे कि हमने बेचा है 1700 रुपए का, किसको, राम, लेकिन उसको रिकॉर्ड कैसे किया है, 7100 मतलब कि हमने रिकॉर्ड किया। सुनो भाई, सबसे पहली बात हमें समझना क्या है, देख जाओ ऊपर देखो, जैसे मान लो कि अगर मैंने राम को बेचा था, तो राम को बेचते टाइम मैंने क्या एंट्री करी होगी, देखो वैसे क्या करनी चाहिए थी कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करना चाहिए था, क्योंकि मैं उधार पे बेच रहा हूँ, ठीक है। एंट्री जो हमारे पास होनी थी वो होनी चाहिए थी कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, लेकिन एंट्री पास करी हमने 1700 के बदले 7100 लिख दिया, तो मैंने दोनों को देखो राम को भी ज़्यादा डेबिट कर दिया और सेल्स को भी ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, बस ना रही है। देखो मैंने क्या बोला कि भाई हमने जो किया था इस तरीके से कर दिया कि राम का जो अकाउंट है वो डेबिट किया हमने 7100 से, लेकिन कितने से करना चाहिए था, 1700 से, और जो सेल्स किया है वो भी 7100 से कर दिया, इसे भी कितना करना चाहिए था मेरे को,
1700 से, तो भाई कितना अमाउंट ज्यादा हुआ है, कितना अमाउंट हमने ज्यादा कर दिया करने से माइनस एक बार, कितना है 0 0 11 में 7 गया तो बच गए 4 और 6 में से 1 गया तो 5, 5400 से ज्यादा कर रखा है हमने, ठीक है, जो 5400 है इतने से ज्यादा कर रखा है। अब सुनो, तो भाई अगर मैं जितना मैंने राम को ज्यादा कर दिया अगर उतना कम कर दूं तो ठीक हो जाएगा। दूसरा, जो मैंने सेल्स को यहां पे ज्यादा कर रखा है इसको दोबारा से ऊपर कर दूं तो ठीक हो जाएगा। बात समझ आ रही है? देखो हमने ना यहां पे एक्चुअल में क्या करना था, मुझे लिखना था 1700 लिखना था, ऊपर नीचे कितना लिखना मेरे को 1700 लिखना था, लेकिन मैंने क्या किया यहां पे 7100 लिख दिया, तो ज्यादा नहीं कर दिया मैंने। तो भाई देखो राम, जो राम का अकाउंट है उसको 7100 से डेबिट कर दिया और जो सेल्स है उसको भी 7100 बढ़ा दिए, तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे एक ही बात निकल के आती सामने कि अगर मैं राम को जो मैंने ज्यादा डेबिट किया है अगर उसको मैं क्रेडिट कर दूं तो ठीक हो जाएगा, सेल्स को जो मैंने ज्यादा क्रेडिट किया है अगर उसको मैं डेबिट कर दूं तो ठीक हो जाएगा। तो कितने से करेंगे, 5400 से। बात समझ आ रही है भाई? देखो ये चीज ना तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए, ये कोई मैं तुम्हें लिख के बार बार नहीं बताऊंगा, तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए सारी सारी चीज, ठीक है। तो क्या करूंगा यहां पे, सेल्स अकाउंट डेबिट है और टू राम अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और कितने ऐसे मेरे पास 5400। क्या लिखेंगे, बींग द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बींग द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है भाई। देखो हमें पहले ही ये पहली बात समझ में आनी चाहिए, उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में क्या है मेरे पे, कह रहे कि अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू कृष्णा। अब सुनो भाई, हमने क्या किया है कि हमने सामान बेचा है, हमने सामान बेचा 1700 रुपए का। बात समझ में आ रही है? सुनो, मैंने जो है सामान बेचा है, सामान बेचा है कितने का, 1700 रुपए, किसको बेचा, मोहन को, लेकिन हमने मोहन के बदले नाम डाल दिया कृष्णा। क्या डाल दिया मोहन के बदले, कृष्णा, ठीक है। मान लो कि भाई इसी तरीके से हमने सामान बेचा था किसको, हमने सामान बेचा है मोहन को, मोहन को सामान बेचा लेकिन मैंने क्या लिख दिया उसके बदले, कृष्णा, ठीक है। देखो मैंने क्या, और कितने का सामान बेचा भाई, 1700 का सामान बेचा है। देखो 1700 का सामान बेचा मैंने किसको, मोहन को बेचा था, मैंने किसका नाम लिख दिया उसके बदले, कृष्णा। सेल्स तो अपनी जगह सही चला गया ना, सेल्स अपनी जगह सही जा चुका है भाई। एक बात ध्यान रखकर चलना, जिस चीज में गलती नहीं हुई है उसको हम छूते भी नहीं है, उसको छोड़ दो वहीं का भाई। तुम देखो गलती कहां हुई है, मैंने कहा गलती यहां पे हुई है, कृष्णा जो है बिना बात के डेबिट हुआ है यहां पे, तो उसको खत्म करने क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जो मोहन है वो डेबिट होना चाहिए था, उसको डेबिट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे भाई यहां पे, मोहन अकाउंट डेबिट और टू कृष्णा अकाउंट, और कितने से भाई, 1700 लिख देंगे, बिंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। हमने क्या किया भाई, जो गलती हुई थी उसको ठीक कर दिया है। फिर आते हैं भाई थर्ड वाले पे, ठीक है। थर्ड पे वो क्या कह रहा है कि तीसरा, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू आशा, ठीक है भाई। देखो हमने क्या किया है, आशा को हमने सामान बेचा है, और कितने का बेचा है, 1700 रुपए का। वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू अंशुल, ठीक है भाई, ए एस, हाँ ठीक है। और हमने क्या किया भाई, अंशुल को मतलब कि हमने कर दिया है। अब भाई यहां समझो, हमने जो है रिकॉर्ड किया, देखो पहले समझो हम मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है हमने सामान बेचा है आशा को 1700 रुपए का, कितने का बेचा है, 1700 रुपए का सामान बेचा है, लेकिन हमने क्या कर दिया पता है, हमने यहां पे अंशुल को लिख दिया। देखो नाम क्या लिखा मैंने, अंशुल, ठीक है। लेकिन भाई ये जो, चलो ठीक है अंशुल लिख दिया मैंने, लेकिन था कितने से करा, 7100 से कर दिया, 1700 के बदले कितने, 7100। अब सुनो यहां पे, तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा यहां पे, क्या किसका नाम लिखा है, अंशुल का लिख दिया है, अंशुल का, वो भी 7100 से। देखो सबसे पहली बात भाई हमें जो समझनी है, हमने गलती क्या करी है, पहली गलती ये करी है, सेल्स जो हमने 1700 की करी है, सेल कितने की करी हमने, 1700 की, और कितना लिखा मैंने, 7100 लिखा,
ठीक है। तो इसको भाई अब हम क्या करेंगे, पहले इसको ठीक करेंगे, कितने से ज्यादा कर दिया मैंने यहाँ पे 5400 ज्यादा कर दिया, तो पहले ये जो ज्यादा क्रेडिट हो गया इसको पहले डेबिट करूंगा मैं। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या होगा मेरे पास जो सेल्स है, तो सेल्स अकाउंट पहले मैं कर दूंगा डेबिट, कितने से 5400 से भाई, क्योंकि ये ज्यादा हो रखा था। सेल्स क्या है कि ज्यादा हो रखा है, क्योंकि देखो 1700 भाई सुन यहाँ पे 1700 का सेल किया है तो 1700 का क्रेडिट होना चाहिए था ना, ये जो हमने सेल किया है वो कितने किया है 1700 का सेल किया है, जो हमने यहाँ पे सेल कर रखा है ना 1700 की सेल है, 1700 के बदले हमने 7100 लिख रखा है, तो कितना ज्यादा लिखा हुआ है हमने 5400 ज्यादा लिखा है। इस 5400 को पहले मैंने ठीक कर दिया, जो मेरे पास ज्यादा क्रेडिट कर दिया था मैंने, अब इसको पहले मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अंशुल, देखो पहले नीचे वाला कर दिया हमने, उसके बाद क्या जो अंशुल है बिना बात के डेबिट हुआ है, बात समझ में आ रही है? अंशुल जो है बिना बात के डेबिट हुआ है, तो ये जो बिना बात के डेबिट हुआ उसको पहले कम करूंगा, ठीक है। इसके बदले किसका नाम आना चाहिए था, आशा का नाम आना चाहिए था, ठीक है, वही जो आस, ठीक है, आशा जो है, तो जो आशा का नाम आना चाहिए, लेकिन आशा का नाम कितने से आना चाहिए 1700 से, आशा का जो नाम कितने से आना चाहिए था 1700 से उसका नाम आना चाहिए था। तो क्या करता मैं आज, देखो एक्चुअल में एंट्री ऐसी होती मतलब आशा अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, इस तरीके से होता, लेकिन हमने क्या किया भाई यहाँ पे अंशुल को कर रखा है बिना बात के, ठीक है। तो पहले अंशुल को हम कर देंगे क्रेडिट, जो मेरे पास है अंशुल को पहले मैं कर दूंगा क्रेडिट, ठीक है। तो अंशुल यहाँ पे कर दो पहले। अच्छा देखो दूसरी बात, हमें डेबिट और किसको करना था यहाँ पे, आशा को डेबिट करना, कितने से 1700 से। भाई जो भी गलती हुई है उसे ठीक करना है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा सुनो स्टार्टिंग से। देखो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा था कि हमने सामान बेचा आशा को 1700 रुपए का, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया कि हमने अंशुल को बेचा है, ठीक है, वो भी कितने का 7100। हमने सामान बेचा 1700 का, उसे 7100 कर दिया। सबसे पहले क्या किया, जो सेल्स है सेल्स को मैंने यहाँ पे किया है क्रेडिट, ठीक है, कितने से ज्यादा से कर दिया, तो जितना मैंने ज्यादा किया है पहले उसको डेबिट कर दो, पहले ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या करनी है हमें, कि जो आशा का जो अकाउंट है, ठीक है, जो आशा है वो हमारे पास डेबिट होना चाहिए था, कितने से 1700 से, ठीक है। और ये जो बिना बात के डेबिट हुआ है इसको क्रेडिट कर देंगे। तो भाई यहां पे क्या करेंगे, जो आशा का जो अकाउंट है, आशा का अकाउंट हम कर देंगे डेबिट 1700 से, और टू जो अंशुल है, अंशुल का जो अकाउंट है उसको कर देंगे क्रेडिट 7100 से, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या है, बींग द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है भाई। तो क्या मेरे पास यहां पे जो एरर हुआ था हमसे, हमने क्या कर दिया, इसको रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है। तो तीन बता दिए मैंने भाई, इसको बताना फोर्थ देखो, अब जो फोर्थ मेरे पास है उसमें क्या किया है भाई, उधार पे सामान बेचा है, कह रहे कि क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन 1700 वॉज एंटर इन द सेल्स बुक फॉर 7100, ठीक है। लेकिन फोर्थ था ना, तो पांच ही पढ़ कि ये क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन, भाई हमने क्या किया 1700 का मतलब कि सामान बेचा है उधार पे मोहन को, वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। अब सुनो भाई यहाँ देखो, वॉज रिकॉर्डेड मतलब कि वॉज रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, इसका मतलब क्या है कि सेल्स की एंट्री पास करनी थी, हमने किसकी एंट्री पास कर दी, परचेस की एंट्री पास कर दी है। तो भाई जब इसने रिकॉर्डेड एज अ परचेज, ठीक है, तो सिंपल समझना कि सेल्स की एंट्री पास करनी थी, हमने क्या कर दी, परचेज कर दी, ठीक है। तो हमें क्या समझ चलना है, सबसे पहले सेल की एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल की एंट्री होनी चाहिए थी कि हमने मोहन को बेचा ना, ठीक है, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितने से 1700 से, नॉर्मल एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे भाई, इसके बदले हमने बस सेल को परचेस लिख दिया है, ठीक है। तो भाई अब यहां समझो भाई, देखो इस चीज को समझने के लिए ना भाई ध्यान रखे चलना, ये जो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूं ना, कुछ टाइम बाद तो मतलब माइंड में करना शुरू कर दोगे। जो बच्चे पहले रॉन्ग राइट रेक्टिफाई ऐसे करते ना, उनको बहुत दिक्कत आती है। तो मैं पहले भी मैं यहां समझा रहा हूं, कुछ टाइम बाद तुम अपने दिमाग में करना शुरू कर दोगे इसको, कुछ टाइम जैसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो दिमाग में करना शुरू कर दोगे। जितने भी तुम्हारे साथ के जो बच्चे होंगे उनसे तुम थोड़े एडवांस रहोगे, हमेशा तुम जाओगे सीधा रेक्टिफाई एंट्री पास करते करते आ जाओगे। वो जो रॉन्ग राइट रेक्टिफाई ये करेंगे ना, इनमें बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये हमें करना नहीं है एक्चुअल में, हमें इसको क्या अभी साइड में कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद माइंड में करेंगे, ठीक है। अभी तो तुम्हारी दूसरी तीसरी क्लास है समथिंग, तो अभी देख के चलते हैं, ठीक है भाई। पहले उसको क्या एंट्री करनी चाहिए थी, मतलब कि हमें किसको, मोहन को बेचाना, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स यहाँ पे करना चाहिए था उसको, मोहन
टू सेल्स, वो भी कितने से? 1700 से। ठीक है भाई, कितने से करना चाहिए उसको? 1700 से इसको सेल करना चाहिए था। बड़ी बुरी राइटिंग आ रही है। सुनो, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करना चाहिए था भाई। चलो ठीक है, माना मैंने मोहन के बदले, मतलब मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एक्चुअल में होना चाहिए था। हमने इसकी मतलब परचेज की एंट्री पास कर दी बिना बात के, बिना बात इसकी एंट्री पास करी ना परचेज की। और भाई चलो ठीक है, मान लिया, हाँ चलो ठीक है, परचेज की कर दी है, तो इसको क्या कर दूंगा मैं? रिवर्स एंट्री पास करी ना इसकी, तो इसने जो एंट्री कर दी है, ठीक है, ये हमारे पास वही है, और जो रॉन्ग कर दी है वो है परचेज को डेबिट किया है कितने से? 1700 से, और टू किसको कर दिया? मोहन को। ठीक है, मोहन को कितने से किया उसने? 1700 से। तो अब देखो भाई, गलत एंट्री में सबसे पहली बात समझना है, परचेज बिना बात के डेबिट हुआ है, ठीक है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे, ऐसे ही होगा। परचेज पहले हमारे पास है, बिना बात के डेबिट कर दिया, तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। दूसरी बात भाई, जो मोहन डेबिट होना चाहिए था, मोहन डेबिट होना चाहिए था ना, क्योंकि हमने उसको सामान बेचा है, डेबिट के बदले उसको उसने क्रेडिट कर दिया है कितने से? 1700 से क्रेडिट कर दिया। देखो पहले ये जो क्रेडिट किया है, पहले ये डेबिट होगा, और जो असलियत में इसको डेबिट करना था वो भी डेबिट होगा। देखो एक्चुअल में मोहन को ना डेबिट करना चाहिए था 1700 से, डेबिट करने के बदले हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, मोहन को डेबिट करने के बदले क्या किया? क्रेडिट। तो पहले ये जो कम किया है, ये 1700 हमने कम किया है, पहले इसको बढ़ाएंगे, 1700 पहले यहाँ पर डेबिट हो गया, और जो एक्चुअल में 1700 करना चाहिए था अब वो भी यहाँ से करेंगे। ये तो हमने नहीं किया है ना भाई, हमने जो एंट्री पास करी है ये वाली करी है, ठीक है, गलत एंट्री ये वाली पास कर दी। पहले मोहन बिना बात के क्रेडिट हुआ है, ठीक है, तो पहले इसे डेबिट करेंगे, और एक्चुअल में मोहन डेबिट होना चाहिए था तो इसको भी डेबिट करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ डेबिट पता लग गया, तो क्या कर देंगे? मोहन को 3400 से डेबिट कर देंगे। तो मोहन अकाउंट डेबिट 3400, ठीक है। उसके बाद पहले मैंने मोहन को डेबिट कर दिया 3400 से, उसके बाद क्या हुआ कि भाई यहाँ पे देखा परचेज जो है ना बिना बात के डेबिट है, परचेज बिना बात के डेबिट है, तो पहले इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो जो परचेज है उसको क्रेडिट कर दो, टू परचेज अकाउंट, और कितने से डेबिट है भाई वो? 1700। और सुनो, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स तो क्रेडिट होना चाहिए था ना, ये तो एंट्री पास करी नहीं हमने, सेल्स जो है होना चाहिए था क्रेडिट, तो अब सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक, तो टू सेल्स अकाउंट, और कितने से? 1700 से। तो वही लिख देंगे भाई, बिंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, भाई जो गलती है उसको ठीक कर दी गई है। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? भाई देखो, जैसे ना मैं जब अभी जो एंट्री करता हूँ उसमें क्या होता है, जैसे मैं जो करूँगा ना खुद, वो अपने माइंड में कर लेता हूँ मैं इसको सॉल्व, मैं इसको अपने माइंड में सॉल्व करता हूँ भाई। सारी सारी बात किसकी है? प्रैक्टिस की। तुम जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा एडवांस हो जाओगे। भाई देखो एक बात ध्यान रखे चलना, मैं शॉर्ट टर्म को लेके कभी चलता नहीं हूँ कि बस तुम्हें अभी अभी सिखा दूँ, तुम्हारा एग्जाम निकलवा दूँ, खत्म, उसके बाद तुम गुल हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मेरा जो मानना है, जो तरीका तुम बाद में सीखोगे ना वो तरीका तुम अभी सीख लो। तुम कभी अगर हायर स्टडी करते हो ना तो उस टाइम तुम्हें एक बेनिफिट बड़ा अच्छा मिलेगा। तो जो भी बातें मैं अभी बता रहा हूँ वो थोड़े हायर लेवल की होती हैं। तुम अगर अभी सीख गए तो मानो तुम्हें आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जो भी कोई टीचर होगा ना वो तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। क्या सीखा तुमने? रॉन्ग राइट रेक्टिफाई, ये सीखा है, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। जैसे तुम्हें याद है मैं तुम्हें ड्राइंग के बारे में बताता कि ड्राइंग ये यहाँ पे गलती है इसकी, पता ये टीचर बताते हैं, वो पता है ड्राइंग का तुमसे नेचर पूछने, मैं तो बताता था कि जो ड्राइंग का नेचर असेट्स का होता है, ये मैंने तुम्हें बताया था पहले कि भाई अगर कोई चीज़ कंपनी को पैसा दे रही है वो क्या है? असेट्स का नेचर का है। तो ये बातें पहले ही बता चुका हूँ भाई, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं और टीचर नहीं बताते तुम्हें, ये सारी सारी बात ना अभी से ध्यान रख के चलनी है। जितने भी पढ़ रहे हो भाई वो सारे सारे मानो थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ रहे हो, देख के चलना, अभी काम नहीं आएगी सारी चीज़ें, बाद में बड़ी अच्छी काम आती है। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, कह रहे कि अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर 1700। भाई हमने क्या किया है, सोहन को एक मशीनरी बेची है 1700 की, ठीक है, किस पे? उधार पे बेची है। तो क्या लिखेंगे? सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ऐसा होना चाहिए था, मैंने मशीनरी बेची। देखो जब भी हम किसी फिक्स असेट्स को बेचते हैं
तो वहां पे क्या होता है, हम उसी चीज का नाम लिखते हैं जो फिक्स एसेट्स है ना, उसका नाम लिखते हैं। जर्नल एंट्री में पढ़ा होगा भाई, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में, देखो क्या एंट्री का पास होनी चाहिए थी कि मोहन अकाउंट, मोहन है ना, सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, भाई ऐसी एंट्री पास होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, वॉज एंटर इन द सेल्स बुक फॉर 7100, उसको क्या कर दिया हमने, सेल्स के थ्रू पास कर दिया, वो भी 7100 के हिसाब से, क्योंकि मोहन अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 7100, ठीक है। तो अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। गया? सबसे पहले जो हमने सामान जो उसको बेचा है, जो हमने मोहन को जो सामान बेचा है, कितने का बेचा है भाई, एक्चुअल में जो उसको बेचना चाहिए था, मतलब हम जो उसको बेचते वो बेचते हैं कि सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1700 से। तो सोहन टू सेल्स, और कितने से भाई, 1700 से। ये एंट्री एक्चुअल में हम करते, ठीक है। देखो अभी से जब तुम ना ये मान लो 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हें सारे माइंड में करने हैं, कोई लिख लिख के मत करना ज्यादा, स्टार्टिंग में लिख के करना, उसके बाद माइंड में करना, अच्छा ठीक है, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, इस तरीके से देख लेना। वो तुम्हें ज्यादा मतलब कि तुम्हारी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, और जितना ज्यादा दिमाग यूज करोगे ना तो दिमाग भी बढ़ता है, ठीक। तो पहले सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसा मतलब कि मतलब मशीनरी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सोहन अकाउंट डेबिट टू, और अमाउंट भी गलत लिखा हुआ है, 7100 है। सुनो ये मेरे पास क्या पहले रॉन्ग एंट्री है, सुनो जो रॉन्ग एंट्री क्या है, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, ये मैंने क्या गलती से कर दिए कि सोहन को डेबिट कर दिया और सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया, वो भी 7100 से। अब सुनो ये रॉन्ग एंट्री करी भाई, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी कि सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होनी चाहिए थी। जो मेरे पास राइट एंट्री क्या थी, सोहन टू मशीनरी, तो भी कितने से, 1700 से। अब भाई तुम ना यहां पर देखो, सबसे पहली बात जो सोहन है, चलो उसको डेबिट हमने किया है, लेकिन कितना मैंने ज्यादा कर दिया डेबिट, तो पहले उसको कम करूंगा, ठीक है। तो पहले सोहन जो है वो क्या कम हो जाएगा, कितने से, 5400 से, पहले यहां कम हो जाएगा। देखो ये बात जैसे मैंने माइंड में रख ली कि भाई सोहन को मुझे कम करना है 5400 से, पहली बात मैंने मन में रख ली। दूसरी बात फिर मैंने देखा सेल्स बिना बात के हुआ है, यहाँ पे सेल्स जो है बिना बात के यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो इसे डेबिट कर दूंगा मैं, ठीक है। दो बात मैंने मन में रख ली, पहली क्या, सोहन को हमें कम करना है, दूसरा जो सेल्स को डेबिट कर देना है, ठीक है, कम कर देना है। उसके बाद भाई एक्चुअल में मशीन को जो क्रेडिट करना है वो तो करेंगे। बात समझ में आ रही है, देखो पहला तो चलो मैं करता रहता हूँ, ठीक है। पहले मेरे पास क्या है कि जो मेरे पास था सोहन, ठीक है, सोहन ज़्यादा हो रखा है, तो पहले उसको कम करूँगा मैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि यही कर दे रहा हूँ मैं, सबसे पहला टू सोहन अकाउंट है, ठीक है। जो सोहन जो मेरे पास है वो कितने से हुआ है, जो सोहन अकाउंट जो मेरे पास क्रेडिट होगा कितने, 5400 से होगा, 5400 से पहले मेरे पास सोहन हो जाएगा। उसके बाद मैंने अगला देखा कि भाई चलो ठीक है, यहाँ तक कि पहले बात मान ली, सोहन बिना बात के इतने से ज़्यादा डेबिट था, तो पहले मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, सोहन को 1700 से डेबिट करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको 7100 से कर रखा है, ठीक है। तो पहले उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, मैंने इसको डेबिट के बदले क्रेडिट कर दिया। फिर नेक्स्ट जो बात करेंगे सेल्स, ठीक है, सेल्स जो है बिना बात से क्रेडिट हुआ है, सेल्स का मतलब है नहीं यहाँ पे, सेल्स क्या बिना बात से क्रेडिट, तो पहले उसको डेबिट कर दूंगा मैं। तो यहां पर क्या है कि जो सेल्स है, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टोटल कितने से, 7100 से। अब बताओ भाई मशीनरी अकाउंट क्रिएट होना चाहिए था, जो मशीनरी का जो अकाउंट है वो तो क्रिएट होना चाहिए था ना, और कितने से, 1700 से, तो टू कर देंगे मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट है, और कितने से, 1700 से। भाई देखो थोड़ी बहुत बातें टफ लग रही होंगी, लेकिन अगर तुम इसको नहीं सीखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छी दिक्कत आएगी, ठीक है। तुम बात में जाके फिर पछताओगे बिना बात के, तुम एक एक क्वेश्चन करने में 10-15 मिनट लगाओगे, वो मैं चाहता नहीं हूँ। ये माइंड थोड़ा फास्ट कर लो, जितना जितना टफ सीखोगे उतना ज़्यादा ठीक ठाक कर जाओगे आगे। तो पांचवी एंट्री क्लियर है। उसके बाद सिक्स्थ है, कह रहे कैश सेल्स ऑफ ₹1700 टू गौरव वॉज रिकॉर्डेड एज 7100। सुनो भाई हमारे पास क्या हुआ है कि जो हमारे पास जो फिफ्थ एंट्री है और सिक्स्थ एंट्री जो है, कह रहे कि हमने क्या कैश सेल किया है, और जो कैश सेल हुआ है कितने का, 1700, और किसको क्या भाई, गौरव को बेचा है, लेकिन उसको हमने रिकॉर्डेड किया है 7100, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो इसमें देखो नॉर्मल सा वही कर दोगे। देखो जैसे मेरे पास ना क्या, इसमें एंट्री एक्चुअल में क्या पास होनी चाहिए थी, देखो
पहला जो है, देखो मैंने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दिया, रॉन्ग एंट्री जो पास करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया, कितने से 7100 से, जो मेरे पास कैश है, कैश अकाउंट डेबिट 7100 और टू सेल्स अकाउंट 7100, भाई ये मैंने गलत एंट्री पास करी है, ठीक है, ये मैंने क्या है जो रॉन्ग एंट्री पास कर दिया। अब राइट एंट्री एक्चुअल में क्या पास होनी थी, राइट एंट्री होनी चाहिए थी भाई जो कैश अकाउंट जो मेरे पास है वो डेबिट होना चाहिए था 1700 से, ठीक है, और टू सेल्स होना चाहिए था 1700 से। भाई तुम क्या देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो है देखो रॉन्ग एंट्री ये कर दी है मैंने, राइट एंट्री ये होनी चाहिए थी, ठीक। तो भाई यहाँ पे अच्छा उधार तो नहीं कैश सेल है, तो यहाँ पे कह रहा है कि देखो जो मैंने 1700 किया ये तो मेरी राइट एंट्री होनी चाहिए थी, मैंने बिना बात के अमाउंट बढ़ा रखा दोनों के पास, सिर्फ क्या बढ़ाया मैंने अमाउंट, तो जो कैश बिना बात के मेरे पास 5400 से ज़्यादा है पहले उसे कम कर दूंगा, और जो सेल्स बिना बात के ज़्यादा है उसको कम, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो देखो अब क्या करूँगा, जो नेक्स्ट एंट्री मेरे पास होगी कि सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट मेरे पास है डेबिट 5400 और टू क्या आ जाएगा भाई, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट है कितने से 5400 से, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। फिर आते हैं भाई नेक्स्ट पे, चलो थोड़ी सी ठीक ठाक एंट्री आई है। देखो अगला मेरे पास है, कह रहा है कि बिल्स रिसीवेबल ऑफ 8100 रिसीव फ्रॉम रविंदर वाज रिकॉर्डेड एज ए बिल्स पेबल। भाई सुनो इस पे तुम इंपॉर्टेंट लगा लो, जो लगाना है वो लगा लो, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है कि रविंदर एक पर्सन है, ठीक है, एक रविंदर मतलब रविंदर एक पर्सन है, उससे मेरे पास रिसीव हुआ है बिल्स रिसीवेबल, क्या रिसीव हुआ है भाई, बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुआ है, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड कैसे किया है कि मेरे पास बिल्स पेबल रिसीव हुआ है, बात समझ में आ रही है। रविंदर एक पर्सन है, उसके पास से मुझे रिसीव हुआ है बिल्स रिसीवेबल, लेकिन मैंने क्या रिकॉर्ड किया उसको कि मेरे पास रिसीव हुआ है बिल्स पेबल। तो देखो सबसे पहले ना मैंने गलत एंट्री क्या पास कर दी है भाई, कि मैंने क्या है कि उसके पास से ना मेरे पास आया बिल्स पेबल, तो रविंदर को डेबिट कर देंगे, रविंदर का जो अकाउंट है उसे करेंगे डेबिट और टू बिल्स पेबल। भाई ऐसे तो हमने गलत एंट्री पास कर दी है, तो कितने की है 8100, ठीक है 8100। सुनो भाई ये मैंने रॉन्ग एंट्री पास कर दिया, ठीक है, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मेरे पास बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल आना चाहिए था। देखो एंट्री क्या मेरे पास है, कह रहे कि बिल्स रिसीवेबल ऑफ 8100 रिसीव फ्रॉम रविंदर, भाई जो रविंदर है उससे क्या है कि मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुआ, मैंने क्या रिकॉर्ड किया उसको बिल्स पेबल रिसीव हुआ है। तो देखो गलत एंट्री पास करी है मैंने, तो देखो जैसे ही तुम्हारा जैसे तुम क्वेश्चन पढ़ लो ना, पहले देखो गलत इसने गलत एंट्री क्या पास कर दिया, गलत एंट्री का पता लगते ही तुम देखो सही एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, ठीक। तो यहां पर मैंने देखा भाई रविंदर अकाउंट डेबिट है 8100 से और बिल्स पेबल यहां पर क्रेडिट है। देखो सबसे पहली बात भाई बिल्स पेबल बिना बात के यहां पर क्रेडिट है, तो पहले इसको डेबिट कर देंगे भाई, सारा सारा मन का खेल ध्यान रख के चलना। अब से जो अगले क्वेश्चन होंगे तो तब तक तुम प्रैक्टिस करके लानी, जो जो क्वेश्चन बताऊंगा उसकी प्रैक्टिस करनी है, मन में करते रहना उसको घर पे, कि तुम्हारे पास उस समय बहुत सारा टाइम होगा, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो क्या है कि बिल्स पेबल मेरे पास क्या है कि पहले इतने से डेबिट कर दूंगा मैं, 8100 से डेबिट होगा, क्योंकि बिना बात के क्रेडिट है, ठीक। और एक चीज और डेबिट होनी चाहिए थी वो बिल्स पेबल, देखो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी कि मेरे पास जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8100 और टू रविंदर, यहाँ पे 8100। सुनो सबसे देखो राइट एंट्री हमें देखनी है, राइट एंट्री को बेस मान लो, गलती देख लो क्या क्या हुई है। पहले ये डेबिट होना चाहिए था, इसे डेबिट कर दो, ये बिना बात के क्रेडिट हुआ है इसे भी डेबिट कर दो, ठीक है। तो भाई जो हम एंट्री जो पास करेंगे यहाँ देख लो, यहाँ पे जो मेरे पास है मतलब क्या रहेगी, जो रविंदर है सबसे पहले मेरे पास तो इसको डेबिट करना है, इसको डेबिट करना है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8100, दूसरा है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 8100। इतनी बात समझ में आ गई। सुनो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां समझ जाओ, हमारे पास होता क्या है, ऊपर देखो जैसे ना रविंदर को मुझे क्या डेबिट करना, मतलब कि जो रविंदर है वो क्रेडिट होना चाहिए था, एक्चुअल में रविंदर क्या होना चाहिए था क्रेडिट, क्रेडिट के बदले मैंने उसको डेबिट कर रखा है,
देखो तो पहले ये जो मैंने क्रेडिट किया है पहले इसको डेबिट कर दूंगा, तो पहले ये ठीक हो गया। उसके बाद हमें उसको असलियत में भी डेबिट करना था ना, उसको हमें रियल में भी डेबिट करना था, 8100 से उसको डेबिट करना था। भाई देखो इसमें ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी तुम्हें मेरे हिसाब से भी, कि देखो सबसे इसको अगर समझ गए ना तो आगे तक पूरा पूरा समझ जाओगे। मैंने बोला कि रविंदर को बिना बात के क्रेडिट किया है, तो पहले उसको डेबिट करोगे, करोगे ना उसको डेबिट, उसके मतलब कि जो हमारे पास है रविंदर को बिना बात के डेबिट किया है, रविंदर को बिना बात के डेबिट किया है, इसको पहले हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे कि रविंदर जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो क्रेडिट एक्चुअल में होना चाहिए था ना, जैसे मैंने रविंदर को हमने बिना बात के डेबिट कर रखा है, तो पहले क्या करेंगे इसको क्रेडिट, ठीक। उसके बाद जो अगली बात क्या होगी कि भाई रविंदर जो यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए था असलियत में उसको तो क्रेडिट करेंगे, ये चीज़ समझ रही है। अगर थोड़ी देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल समझो, मैंने बोला कि मुझे तुमसे पैसे 10 रुपये या फिर 10,000 रुपये लेने हैं, ठीक है, मुझे क्या है कि तुमसे पैसे लेने हैं 10,000 रुपये, ठीक है। अब भाई ये जो 10,000 रुपये लेने हैं, मैंने पता क्या किया, तुम्हें 10,000 रुपये दे दिए गलती से, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दिए, अब कितने लूँगा, 20 लूँगा ना। तो ये समझना है कि रविंदर है, रविंदर क्या है यहाँ पे, मतलब उसको एक्चुअल में हमें करना था क्रेडिट, पहले मैंने गलती से क्या कर दिया डेबिट कर दिया, ये जो मैंने गलती से डेबिट कर दिया तो पहले उसको क्रेडिट करूंगा, ठीक है। दूसरी बात जो असलियत में उसको क्रेडिट करना था वही तो क्रेडिट करूंगा ना, बस भाई तो इसको भी क्या कर दूंगा मैं क्रेडिट। तो भाई कितने से हो जाएगा ये, क्या सोचा होगा, 16,200 वही तो रविंदर अकाउंट 16,200। बताओ भाई इतनी बात समझ में आ रही सबको। उसके बाद ना हम एक लास्ट एंट्री जो हमारे पास है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या चीजें। सुनो भाई उसके बाद जो अगला मेरे पास है कह रही कैश परचेस ऑफ 8100 फ्रॉम भारत वाज रिकॉर्डेड एज 1800, ठीक है। देखो मेरे पास क्या हुआ भाई, कैश परचेस किया है 8100 का, मतलब कि जो 8100 है उतने का मैंने क्या कैश परचेज किया है, तो अब उसको कैसे रिकॉर्ड कर दिया मैंने 1800 से। भाई पहले देखो मैंने क्या गलती कर दी है कि मैंने जो है कैश परचेज किया, तो पहले परचेज का जो अकाउंट है वो कर दिया डेबिट, ठीक है। और कितने से गलती कर दी है, 1800, हाँ भाई 1800 और टू कैश। सुनो भाई ये मेरे पास रॉन्ग वाली एंट्री थी, ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट 1800 और टू कैश अकाउंट 1800, ये मैंने क्या गलत एंट्री पास कर दिया। एक्चुअल में क्या एंट्री होनी चाहिए थी, जो रियल में जो एंट्री होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी कि भाई यहाँ पर होनी चाहिए परचेस अकाउंट डेबिट और टू कैश, और अमाउंट कितना होना चाहिए था यहाँ पे 8100, इतना होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है, देखो यहाँ पे जहाँ पे मैंने 1800 लिखा है और जहाँ पे जो कैश है, सुनो जहाँ पे मैंने 1800 लिखा है और जहाँ पे क्या है कैश को लिखा है, तो अब जो भाई यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने क्या बोला कि जो परचेस है वो डेबिट हुआ 1800 से और जो कैश है उसको क्या क्रेडिट किया 1800 से, लेकिन कितना होना चाहिए था 8100 होना चाहिए था, कितना कम पड़ा है 63। सुनो सही में ना, सुनो तो भाई इसको थोड़ा और ज़्यादा डेबिट करेंगे 6300 से और इसको थोड़ा और ज़्यादा क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आ रही है, देखो सिंपल सी छोटी सी गलती थी ना यहाँ पे, तो कि भाई बस हमने क्या कि कम कम अमाउंट से कर दिया, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट से कर दो इसको। और पता है अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन नहीं आता वो बोलेंगे नई एंट्री पास कर दो दोबारा से, वो 8100 से कर देंगे, एक गलती और हो गई। हमें क्या समझना है यहाँ पे, जितनी गलती हुई है सिर्फ वो देखना है। पता है तुम्हें मतलब कि रेक्टिफिकेशन जो मतलब जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है इसमें एक गलती समझनी होती है, मतलब कि पहले समझो गलती क्या है, फिर देखो गलती में मैंने गलती कितनी करी है, सिर्फ उस गलती को देख लो। अच्छा ये तो नहीं बात का हुआ है, सोचो उसे सॉल्व कैसे करेंगे, उसका उल्टा कर दूंगा अगर मैं थोड़ा सा, तो पहले इतना सॉल्व हो गया। दूसरी बात देखेंगे राइट एंट्री क्या है, जो नहीं हुई है पहले गलती ढूंढ लो और जो नहीं करी है तुमने उसको कर दो, तुम्हारे यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर तो सिंपल सा हुआ कि भाई जो परचेस अकाउंट डेबिट कर देना, परचेज का जो अकाउंट है वो कर दो डेबिट 6300 और टू कैश अकाउंट है 63
100, ठीक है। तो भाई पहले तो मैं ना ये वाला आना चाहिए, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है एक बार उसको देखते हैं। जैसे भाई एक बार ना जो भी है कलर नोट डाउन अच्छे से कर देखते।